ये देखो दोस्तों, हम आ गए हैं स्वेंजिया बे बीच पे। आज ये सैंड बीच है और इसके पास में हम देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल रेसिंग चल रही है और मैराथन चल रही है। वो जो बच्चे दौड़ के आ रहे हैं वो मैराथन वाले हैं और ये साइकिल पे आ रहे हैं वो साइकिल रेस वाले हैं। तो अच्छा है संडे मॉर्निंग विद साइकिल रेसिंग। तो ये आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल। तो ये ना कभी कभी खुलता है बीच में गेट, स्विमिंग और सब कुछ एक साथ चल रहा है। ये एक्चुअली ये स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग सब कुछ एक साथ चल रहा है इनको अलग अलग। तो हम बात कर रहे थे, ये चल रहा है ट्रायथन, मतलब दौड़, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, तीनों एक्टिविटीज़ की प्रतिस्पर्धा यहाँ पे चल रही है। और हमने अभी साइकिलिस्ट को जाते हुए देखा था, ये लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है उनका वो लोग खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग इस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग उस तरफ जा रहे हैं, इसके ये जो भी इनकी लिमिट है, दो तीन चक्कर काट रहे हैं मतलब दौड़ के ये लोग, उसको क्रॉस करके ये लोग आते हैं। और ऐसी प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पर होती रहती हैं क्योंकि मौसम बड़ा डिप्रेसिंग होता है यूके का, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और उसको एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है जब भी मौसम अच्छा होता है। आज धूप वाला फ्रेश दिन है, बिना बादलों वाला, तो आज ये सब इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके की डीप इधर हैं और बहुत फ्रेश भी हैं, मतलब ख़राब टूटी फूटी नहीं है। जब हम वहाँ स्कॉटलैंड वाले बीच पे गए थे वहाँ पे बहुत टूटी फूटी पुरानी शीप पड़ी हुई थी, यहाँ पे लेकिन अच्छी वाली फ्रेश शीप है। और ये देखो यहाँ तक पानी आता है, एक्चुअली ज़्यादातर यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे शिवाल आप जमी देख सकते हैं, तो ये लेयर्स जो बनी हुई हैं वहाँ तक पानी ज़्यादा देर ठहरता है, लेकिन यहाँ तक भी जब हाई टाइड आती है तो पानी आता है। तो यहाँ पे ये गेट बना हुआ है जहाँ से हाई टाइड का नज़ारा देख सकते हैं हम। और ये है स्वेंजी बे बीच वेल्स में, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बालू वाला बीच है, सैंड बीच, और ऐसे बीच कम मिलते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर बजरी वाले या हार्ड बीच मिलते हैं, जो स्टोन और पहाड़ी जैसे एरिया होते हैं आसपास बीच के, हाँ, और या फिर मडी बीच ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन बालू वाले बीच जो है ना वो सबसे अच्छे लगते हैं, मतलब आप उस पर वॉक भी करो तो भी आपको अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे शिपियों का ढेर उधर तो लगा हुआ था, इधर थोड़ा कम है, लोगों ने लिया होगा इधर से। अब आगे आगे जैसे जाएंगे नए नए शिप भी निकलते हैं, और हमें देखो फ्रेश फ्रेश शिप दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये जो आवाज़ें आ रही हैं, तालियाँ बज रही हैं, ये लोग इनको चीयर अप कर रहे हैं, जो जो प्रतिस्पर्धा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखो एकदम ढेर लगा हुआ है पूरा, शीप ही शीप ले लो, सजावटी चीज़ें जो बनाते हैं अपने गोवा में तो इतनी बिकती है ना इनकी बनाई हुई चीज़ें, बड़ी डेकोरेशन होम डेकोर के लिए। और इधर भी आती हैं वो चीज़ें, इधर भी होती होगी कोई ऐसी इंडस्ट्री और छोटे छोटे चीज़ें बनाने की, क्रिएटिव आर्ट को इधर बहुत। अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं तो आपको इधर यूके में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इधर की बहुत कदर होती है, बस आपके पास भी जाना चाहिए, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। क्योंकि इसको भिड़ते ही स्किल जो माने वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपका कौन सी जगह पे ऐसा सिलेक्शन हुआ है, कोई आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। आप देखो कलरफुल कलरफुल सीपी हैं, बड़ा अच्छी डेकोरेशन वाली, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप चीज़ें बना सकते हो इनसे मिला के। खैर हम कलेक्ट करेंगे, बनाएंगे घर पे जाके, बट बहरहाल हम वीडियो की बात करते हैं। और ये देखो इसको कहते हैं सीपी खजाना। अभी देखो हम घूम रहे हैं स्वेंजी बीच पे, तो ये सिटी जो है ना सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा शहर है वेल्स का।
ये देखो ये नाव नून लेके आए हैं यहाँ पे तैर तूर के, अब जा रहे हैं घर क्योंकि पानी उठने लग गया है। ये देखो नावें पहले हमारे सामने थी, अब उधर दूर चली गई हैं। बच्चे तो हम ना एकदम कपड़े वपड़े खोल के चले गए हैं समुद्र में। बच्चों के मजे हैं, बच्चों क्या कुत्तों के मजे हैं। देखो यहाँ पे इन जनाब को देखिए, ये बच्चों से ज़्यादा उछल रहा है डॉगी। उधर वो फुटबॉल खेल रहा है एक। ये देखो हट भी बना ली इन्होंने, अम्ब्रेला अम्ब्रुला चेयर चेयर लगा के सब लोग। ये देखो छोटे बच्चे इधर भी। सही है सही है सही है, लगे रहो भाई यहाँ पे ना। ये देखो अभी ना शंख वो तो आ रहे थे, अभी तो नहीं आ रहे। ये देखो फिर से आ रहे हैं शंख, बहुत तो नहीं आ रहे, कुछ कुछ आ रहे हैं। कचरा भी आने लग गया अब तो, जितना ज़्यादा पानी उठ के आ रहा है ना उतना कचरा फिर आ रहा है। कोई नहीं चलते हैं भाई, जाने का वक्त हो गया, दोपहर हो गई ना। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लहरें भी चढ़ रही हैं और पानी थोड़ा गर्म भी हो रहा है, तो वैसे भी उठ रहा है पानी और आ रहा है। चलिए आपको लहरों को पास से दिखाते हैं फिर घर जाते हैं। वहाँ पे था पानी जब हम आए थे, अब देखो उधर से डार्क ग्रीन से इधर गंदला होते आ रहा है क्योंकि वेग से आ रहा है ना, अब लहरें भी उठने लग गए हैं। पहले हम आए थे तब शांत था, अब पानी गर्म भी हो रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, तो दोपहर तक ऐसे ही होगा। जब शाम ढलने लगेगी तब वापस नीचे जाएगा, फिर चांद के साथ वापस उठेगा, बस यही सब चलता रहता है, फिर रात को उधर चला जाएगा। ये हमारे को बहुत सारे शंख मिलने वाले हैं, अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, फिर आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या उठाया क्या क्या बनाया। वो बनाने वाली कलाकारी अलग वीडियो में दिखाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। वेट करना हमारे वीडियो का, हम क्या बनाते हैं इनसे, ठीक है ना। कलरफुल देखो देखो, पिंक वाला तो आपने नहीं देखा होगा क्योंकि येलो वालो तो चलो चलता है, बहुत सारे हैं, लेकिन पिंक वाले आज मैंने देखे यहाँ बहुत है। पिंक वाले शिप, ये देखो शंख। अच्छा भाई अच्छा 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 अच्छा, अब वेग के साथ आ रहे हैं ना तो ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि भारी होते हैं ना शंख। ये देखो फिरा और आ गए। अयो वापस मत जाओ भाई, ठीक है हम अपना थैला लेके आते हैं फिर इनकी चुके जाएंगे। इधर इन्होंने कैशल वैशल बना लिए अपने, महल मार लिए यहाँ पे हैं माटी के। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना सी, ये देखो यहाँ से और भी अच्छा लग रहा है। टेंडना टेंडना, अब बहुत सारे लोग आ गए, पहले हम आए थे तब एकदम शांत था। ये मैराथन ट्राइथन सॉरी अभी भी चल रही है, लोगों की कंप्लीट कर रहे हैं, अब जीतने वाले तो जीत गए। बाकी तो भाई मैन मैच तो चल रहा है बिर्मिंघम में हमारे, वहाँ जीते जा रहे हैं हमारे लोग। चलो अच्छी बात है हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो कुत्ता मास्टर जी कहाँ चले गए हैं समुद्र में नहाने को, डॉग मास्टर जी ये इधर खेल रहे हैं, बस चल रहा है यही संडे बिता रहे हैं लोग। ये देखो संजय बेबी इसको बाय बाय बोल रहे हैं, बाय बाय संजय। ये पार्किंग है इधर बीच के एकदम पास में, बस स्टॉप है ये, द स्लिप बस स्टॉप, यस नाइस। एक्चुअली मैराथन भी कंप्लीट ना हुई है,